हाँ जी, पहला प्रश्न है, नीचे दिखाई गई वस्तु का पहला अक्षर कैसा अक्षर करा हो? पहला अक्षर। तो पहला अक्षर क्या होगा? तो हमें दिखाया क्या गया है, क्या दिखाया गया है? जूता। तो जूते का पहला अक्षर क्या होगा? ये जू होगा, जी होगा, ठीक है, जी या चू, क्या होगा? जू। तो ये वाला पहला अक्षर होगा जू, यही हमारा उत्तर बन जाएगा। तो अगला है, दूसरा है कि चित्र में शरीर का कौन सा अंग दिखाया गया है? तो ये कौन सा अंग दिखाया, सबको पता है क्या है, सभी जानते हैं क्या है? हाँ, तो उत्तर कौन सा है, का वाला, खा वाला, गा वाला या घ वाला? गा वाला। गा वाला उत्तर है, ये आँख का चित्र है, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा अगला है, यहाँ पर छपा हुआ है, ध्यान से देखो तुम, ये चिड़िया और दूसरी साइड में दो चिड़िया, तो हमें ही बताना है इसमें। तो वो कह रहा है कि जैसे एक है, एक क्या है, एक को बोलते हैं चिड़िया, क्या बोलते हैं? चिड़िया। तो दो को क्या बोलेंगे, इनमें से क्या बोलेंगे, ये चिड़िया ही बोलेंगे दोबारा, दो चिड़िया, या दो चिड़ियाँ बोलेंगे, या दो चिड़ियों बोलेंगे, या दो चिड़िए बोलेंगे, क्या बोलेंगे? दो चिड़ियाँ, क्या बोलेंगे? दो चिड़िया, चिड़ियाँ। तो उत्तर कौन सा सही होगा, ये वाला, खा वाला सही उत्तर जाएगा, दो चिड़ियाँ, ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अगला फिर है, उस शब्द को पहचाने जो अन्य शब्दों से अलग है, जो अन्य शब्दों से अलग है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या है, गाय, यहाँ पर क्या है, कुत्ता, यहाँ पर क्या है, घोड़ा, और यहाँ पर क्या है, इनमें से अलग क्या है, मोर। क्यों है, क्योंकि ये तीनों क्या है, ये पशु हैं, क्या है ये, पशु, और मोर क्या है, पक्षी, मोर क्या है, पक्षी। तो हमारा जो उत्तर होगा वो मोर होगा, क्या होगा, मोर। तो उत्तर ये हो जाएगा मोर, ठीक, आई बात सुन में। अगला भी देखते हैं, चलो ये है, अगला है हवा, यह शब्द इन चित्रों में से किस चीज के साथ जुड़ा, हवा, यहाँ का छपरा है पता है, यहाँ का छपा हुआ पता है, ये बल्ब छपा हुआ है, क्या छपा हुआ है, बल्ब, बल्ब जुड़ा हुआ है प्रकाश, यहाँ छतरी छड़ी हुई है, छतरी क्या होती है, बरसात के लिए या धूप के लिए, ये है कुर्सी, कुर्सी तो बैठने के लिए है, तो हवा किससे जुड़ी हुई है, हवा जुड़ी हुई है पंखे के साथ, किससे जुड़ी हुई है, पंखा, पंखा के साथ, ठीक है। अगला है छठा, बढ़ई ने, बढ़ई यहाँ पर खाली स्थान है, बढ़ई डैश के खिलौने बना रहा है, अब बढ़ई क्या होता है, बढ़ई क्या होता है, जो किसका काम करता है, लकड़ी का, तो फिर बढ़ई किसे, किसी खिलौने बनाएगा, लकड़ी के, यहाँ लकड़ी है, लोहा है, सोना है, मिट्टी है, लोहे के, लोहे का काम तो लोहार करता है, सोने का काम सुनार करता है, और ऐसे ही मिट्टी का काम कौन करता है, कुम्हार करता है, तो पर हमें बताना है लकड़ी का, कि क्या बताना है, लकड़ी का, तो लकड़ी का काम कौन करता है, बढ़ई, तो बढ़ई क्या बनाएगा, लकड़ी के, लकड़ी के खिलौने, ये उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला और देखते हैं, अब ये ध्यान से देखो, तरु वृक्ष क्या है, तरु और वृक्ष, इन दोनों शब्दों का एक ही अर्थ है, तरु वृक्ष को ही बोलते हैं और वृक्ष भी उसको ही बोलते हैं, तो एक ही अर्थ है, तो हमें बताना कि इन दोनों में से का जो अर्थ है, इनमें से कौन सा है वो, ठीक है, वो पत्थर है, उपवन है, कागज है, पेड़ है, क्या है, पेड़, पेड़ है, क्या है, पेड़, क्योंकि हम पेड़ को ही क्या बोलते हैं, पेड़ को ही तरु बोलते हैं और पेड़ को ही वृक्ष बोलते हैं, तो ये उत्तर सही चला जाएगा, ठीक है। अगला है, सही वाक्य चुनना है, क्या चुनना है, सही वाक्य, मेरी गुड़िया सबसे है सुंदर, ये तो ठीक सा नहीं लगता, दूसरा गुड़िया मेरी सबसे है सुंदर, ये भी कोई बात बनी थी लगती नहीं ना, फिर अगला है मेरी गुड़िया सबसे सुंदर है, ये तो ठीक लगता है देखने में भाई, चलो एक और देखते हैं, सबसे गुड़िया सुंदर है मेरी, ये भी बात
सही नहीं लगती। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ग मेरी गुड़िया सबसे सुंदर है। ठीक है, अगला देखते हैं, इस चित्र में क्या दिखाया गया है। इस चित्र में, ये चित्र में ढंग से नजर नहीं आ रहा, एक बार देख लें क्या है, नहीं है। ठीक है, तो गेंद है वैसे इसमें और नीचे पानी है। क्या है यहाँ पर, यहाँ पर गेंद है ये, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ये पानी है। क्या है, पानी। तो हमें बताना है कि क्या हो रहा है, कि गेंद पानी पे क्या करती है। तो पहला, गेंद पानी पर उड़ रही है, क्या गेंद पानी पे उड़ती है, इससे तो गलत है भाई, कोई चीज़ हवा में उड़ सकती है। गेंद पानी पर तैर रही है, ये तो ठीक सा लगता है भाई, क्योंकि पानी पे तैरेगी ना। गेंद पानी को खींच रही है, ना। गेंद पानी में नहा रही है, नहाई कहते हो, तो उत्तर खा ठीक चला जाएगा। गेंद क्या है, पानी पर तैर रही है, पानी पर तैर रही है। अगला, चित्र में देखकर सही वाक्य चुने। यहाँ पर क्या है, सूरज है और ये पेड़ है नीचे। तो कहा है, बसंत ऋतु में बहुत से फूल खिलते हैं। तो यहाँ तो सूरज और पेड़ की बात हो रही है ना, गर्मी में फूल मुरझा गए। हाँ, ये सूरज देखो ना, अगर हम ध्यान से देखें तो सूरज हमें बहुत भयंकर नजर आ रहा है ना, तो नीचे फूल हैं। तो मतलब यही है कि गर्मी में फूल मुरझा गए, तो ये वाला ठीक लगता है। हाँ, यही ठीक लग रहा है। अगला है, बरसात में फूल नहीं खिलते, ये तो बात कोई नहीं है। सर्दी में बहुत से फूल मुरझा गए, सर्दी तो है ही नहीं, ऊपर सूरज है, तो ये वाला उत्तर सही है, खा वाला। ठीक है, अगला देखते हैं हम, घोड़ा थक गया है, घोड़ा थक गया है, फिर डैश धीरे धीरे चल रहा है। ठीक है, तो जब घोड़ा थक गया तो घोड़े के लिए क्या आएगा, वह आएगा, तुम आएगा, आप आएगा या हम आएगा, क्या आएगा, वह। घोड़ा थक गया है, वह धीरे धीरे चल रहा है, तो उत्तर सही ये हो। ठीक है, आई बात ना मैं। अगला देखते हैं, उस पेड़ पर गिलहरियों के साथ पक्षी भी रहते हैं। उस पेड़ पर गिलहरियों के साथ पक्षी भी रहते हैं। हमें देखना है, उस पेड़ पर गिलहरियों के साथ पक्षी भी रहते हैं। नीचे दिए गए किस शब्द को रेखांकित शब्दों के बदले लिख सकते हैं। के साथ हम और क्या लिख सकते हैं, उस पेड़ पर गिलहरियों के साथ पक्षी भी रहते हैं। तो इनमें से क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह, ये इसकी जगह, उस पेड़ पर गिलहरियों के बिना पक्षी भी रहते हैं, या उस पेड़ पर गिलहरियां, ये तो बनी नहीं बात, बिना तो आएगा नहीं, उस पेड़ पर गिलहरियां और पक्षी भी रहते हैं, ये लिखा जा सकता है ना। हाँ, यही ठीक लग रहा है। और वैसे आगे देखो तो, उस पेड़ पर गिलहरियां भी पक्षी भी रहते हैं, ये भी बात नहीं बनी। उस पेड़ पर गिलहरियों से पक्षी, ये तो है ही नहीं, तो कौन सा ठीक है, ये खा वाला ठीक है। ये वाक्य कैसे बन जाएगा, उस पेड़ पर गिलहरियों और गिलहरियां नहीं थी वैसे, है ना, गिलहरियां और पक्षी भी रहते हैं। ठीक है, यही उत्तर सही जाएगा। अगला है, शब्दों को सही क्रम में लाकर वाक्य बनाना है, सही वाक्य बनाना है, क्रम बनाना है सही से। ये हैं क्रम, बहुत सारे, के पास स्कूल बच्चे हैं। तो पहले बार बनाया आपने, बहुत सारे स्कूल के पास बच्चे हैं, ये तो नहीं लगता ठीक, स्कूल के पास बहुत सारे बच्चे हैं, ये भी ठीक नहीं लगता, बहुत स्कूल के पास, बहुत सारे के पास, ये तो है ही नहीं, ये फिर भी ठीक लगता कुछ, ये वाला ना, है ना, यही ठीक लग रहा है, स्कूल के पास बहुत सारे बच्चे हैं, स्कूल के पास बहुत सारे बच्चे हैं, ये कुछ ठीक लगता है, स्कूल बच्चे हैं बहुत सारे के पास, ये भी नहीं लगता, ये भी नहीं ठीक है, बस यही ठीक जाता है, खा वाला ही सही जाएगा, यही वाला ठीक है ना। नीचे दी गई जानकारी को पढ़ें और उसके बाद प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये है, किसके बारे में है, मेरा दोस्त रामू, और रामू क्या है, एक टेडी बियर है। क्या है, टेडी बियर। अब पढ़ते हैं क्या है, कहानी क्या है।
रामू मेरा सबसे प्रिय खिलौना है। रामू एक भालू है। कैसा खिलौना है? भालू है, जिसकी काली काली आंखें कैसी हैं? काली काली। कोमल शरीर है और एक छोटी पूंछ है। मेरे चाचा 2 साल पहले मेरे लिए दिल्ली से रामू लेकर आए थे। मैं रामू को हर जगह अपने साथ लेकर जाता हूँ, क्योंकि वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। ये बात कर रहा है। अब आगे प्रश्न पढ़ते हैं, क्या कह रहा हो? प्रश्न है, किसका नाम है रामू? रामू किसका नाम है? एक बंदर का, एक आदमी का, एक खिलौने का, चाचा का। किसका नाम है? एक खिलौने का। हाँ, एक खिलौना है, वो टेडी बियर है, भालू है, वो खिलौने वाला है ना। ठीक है, अगला है, रामू की पूंछ कैसी है? कैसी रामू की पूंछ? याद आया? छोटी। बड़ी है नहीं, कोमल है नहीं, लंबी है, कैसी है? छोटी। तो ये उत्तर सही चला जाएगा, रामू की पूंछ कैसी है? छोटी। आपके अनुसार किसने रामू के बारे में यह लिखोगा? ये बात जो ऊपर लिखी हुई है रामू के बारे में, किसने लिखी है? रामू के अध्यापक ने? नहीं। रामू की माँ ने? नहीं। रामू के पिता ने? नहीं। रामू के दोस्त ने? हाँ, रामू के दोस्त ने लिखी है। तो ये उत्तर इसका सही है। रात में तारे की तरह डैश रहे हैं। रात में तारे हीरे की तरह क्या कर रहे हैं? क्या आएगा? झुलस रहे हैं, छिप रहे हैं, चमक रहे हैं, क्या आएगा? तो तारे चमक रहे हैं। क्या रहे हैं? चमक रहे हैं। यही आएगा, यही सही उत्तर है। तो क्या आएगा? तारे यहाँ पर क्या आएगा? चमक रहे हैं। और हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा? चमक। ठीक है, हाँ, चमक, चमक रहे हैं, ये उत्तर सही होगा। ठीक है, अगला है, रिया बड़ी बहन है, रीमा डैश छोटी बहन है। रिया तो बड़ी बहन है, तो रीमा क्या है? रिया की छोटी बहन। तो क्या आएगा फिर यहाँ पर? क्या आएगा? उसका आएगा, उसकी आएगी, इसका, उसकी। क्या आएगा? उसकी। इसमें उसकी 2 बार आ गया, दोनों उत्तर होंगे। वैसे यहाँ आना था इसकी, क्या आना था यहाँ पर? इसकी। यहाँ ये नहीं आना, यहाँ पर आना था इसकी। तो हमारा उत्तर वैसे क्या होएगा? हमारा उत्तर होएगा ये वाला, उसकी। क्या होएगा? उसकी। हमारा उत्तर ये होएगा, उसकी। ठीक है, तो ये उत्तर सही चल जाएगा मतलब। ठीक है, हाँ, तो अगला देखते हैं। हिरनों ने डैश को देखा, यहाँ पर कुछ भरना है ना, किसको देखा, और तुरंत डैश गए, यानी कि 2 खाली स्थान भरने हैं ना। तो हिरनों ने भागना होता है ना, ये तो गलत है, ये तो बनी नहीं बात, ये तो पहला ही गलत हो गया। हिरनों ने भाग तो ठीक है, और तुरंत भाग गए, ये ठीक लग रहा है ना। हाँ, यही ठीक लग रहा है। इसमें क्या आएगा? ये उत्तर हमारा सही है, ये वाला, क्योंकि यहाँ पहले वाले में क्या जाएगा? बाघ आ जाएगा, और दूसरे वाले में भाग आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा, हिरनों ने बाघ को देखा और तुरंत भाग गए। आगे तो उसने और बाघ लिख दिया, बाघ और भाग तो बनी नहीं बात। बाघ और बाघ, ये बाघ बगीचा होता है ना, भाग तो पता ही सबको। ठीक है, हाँ, शेर जैसा होता है ना। अगला 20वां है, दिए गए वाक्य को सही विकल्प से पूरा करें। वाक्य दे रखा नीचे, उसको सही विकल्प से पूरा करना है। गर्मी में हम वृक्ष के नीचे आराम करते हैं, ठीक है, लेकिन वृक्ष हमें छाया देते हैं, क्योंकि वृक्ष हमें छाया देते हैं, क्योंकि वृक्ष हमें पत्ते देते हैं। अगर वृक्ष हमें पत्ते देते हैं तो कौन सा आएगा? गर्मी में हम वृक्ष के नीचे आराम करते हैं, क्योंकि वृक्ष हमें छाया देते हैं। ये सही है ना, तो ये उत्तर हो जाएगा। ठीक, ये पढ़ना पड़ेगा दोबारा ना। कहवा एक तरह की चाय है, जो हरी पत्तियों को केसर, दालचीनी, गुलाब की पंखड़ियों के साथ उबालकर बनाई जाती है। अच्छा जी,
कितकी हरी पत्तियों को चाय की है जो हरी पत्तियों के केसर दालचीनी और गुलाब की पंखड़ियों के साथ उबालकर बनाई जाती हैं। उसकी वजह से उससे एक खास खुशबू आती है। तो ये है उपरोक्त कथन के आधार पर इनमें से कौन सा कथन गलत है। अब ध्यान देखना, वो पूछ रहा है कौन सा गलत है, गलत बताना है। कहवा से एक खास खुशबू आती है, ये बात तो सही है ना। कहवा एक तरह की चाय है, ये भी उसने कहा चाय है। कहवा उबाल, ये भी ठीक है। कहवा में सूखी पत्तियां डालते हैं ना, उसने कहा था हरी पत्तियां। तो ये वाला उसने पूछा गलत, यही गलत है। तो यही हमारा उत्तर होगा, यही हमारा उत्तर होगा, क्योंकि जो वो बनती है वो तो हरी पत्तियों से बनती है। किससे बनती है? हरी पत्तियों से। उस शब्द को पहचाने जो अन्य शब्दों से अलग है। अब देखना है, हमने उसको पहचान दो अन्य से अलग है। यहाँ पर पहला जलेबी, दूसरा लड्डू, तीसरा गाजर, चौथा बर्फी। तो अलग क्या है फिर? गाजर। हाँ, सबको पता है क्या अलग है? गाजर। गाजर अलग क्यों है? ये सब्जी है। और बाकी तीन क्या है? मिठाई। बाकी तीन क्या है? मिठाई। मिठाई, ठीक है। अगला है सही विकल्प चुने। सही विकल्प चुने, इसका मतलब है जो ठीक है वो बताना है। जा रही हूँ मैं बाजार, ये तो बात बनी भाई। मैं बाजार जा रही हूँ, ये तो बिल्कुल ठीक है, साफ जगह रहा पता है ना, क्योंकि बिल्कुल सही कह रहा है। मैं बाजार जा रही हूँ, रही हूँ जा मैं बाजार, ये भी गलत है। तो ये भी गलत है, मैं रही हूँ जा बाजार। तो ये उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है चाय गर्म है और आइसक्रीम सब पता लगती है। जब चाय गर्म है तो आइसक्रीम क्या है? ठंडी। तो ये वाला यहाँ पर आ जाएगा, तो उस पर भी यही हो जाएगा ना, ठीक है। रोहित के पापा, रोहित ने पापा से कहा मुझे आम पपीता केला अनार पसंद है। रोहित ने क्या कहा अपने पापा से कि मुझे आम पपीता केला अनार पसंद है। यह सब क्या है? सबको पता है आम पपीता केला अनार क्या है? फल। क्या है? फल। फल है, ये उत्तर। ये 26 चिड़िया डैश कोए की डैश में दोस्ती हो गई, क्या बने कहानी? चिड़िया पहले पढ़े, चिड़िया और कोए की आपस में, यही ठीक लग रहा है ना। हाँ, तो ठीक भी यही जाएगा, उत्तर भी यही ठीक लग रहा है, ठीक है। चिड़िया और कोए की आपस में दोस्ती हो गई, ये तो लगता ही नहीं है। चिड़िया ने कोए की साथ दोस्ती की ना। अगले पर के देखते हैं, चिड़िया पर कोए के बिना में दोस्ती ना। अगला पर के देखते हैं, चिड़िया भी कोए की तथा, ये भी गलत है। तो यही उत्तर सही है। ये तो वही बात है ना, आज सोमवार है, परसों का दिन होगा, अगर होगा लगा है तो आने वाले की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? आने वाले की। तो अगर आज सोमवार है तो परसों क्या होगा? बुधवार। उत्तर यही आ गया हमारा, बुधवार हो जाएगा ना, यही ठीक है, ठीक है। ये बताओ अच्छा क्या है? हरियाणा एक है, जिला है, देश है, राज्य है, गांव है, क्या है हरियाणा? राज्य। क्या है? राज्य है, ठीक है। हरियाणा क्या है? एक राज्य है। जिला क्या होता है? जैसे यमुनानगर है ना, गुड़गांव, ठीक है, रोहतक, अम्बाला है ना। और देश जैसे भारत देश है ना, और पाकिस्तान देश है, बांग्लादेश है, ठीक है, और अफगानिस्तान है, इंग्लैंड है, अमेरिका है। और गांव तो पता ही है, ठीक है, कोई भी गांव है मान लो, ठीक है, जो हम भी गांव में रहते हैं यहाँ, ठीक है। तो उत्तर हमारा कौन सही हो जाएगा? हमारा उत्तर हो जाएगा कि हरियाणा क्या है? एक राज्य है। और भी राज्य होते हैं, जैसे पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है ना। अगला, नीचे दी गई जानकारी को पढ़ें और उसके बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। इसमें वही है, सूचना है, सूचना, ठीक है। क्या सूचना है? खोए हुए लियो की तलाश। कौन खो गया? लियो, मेरी पालतू बिल्ली। लियो कौन है फिर? बिल्ली खो गई है, उसका नाम लियो है,
लियो का शरीर भूरा है, उस पर सफेद धारियां हैं, सफेद धारियां हैं, उसने लाल रंग का लाल रंग का पट्टा पहना हुआ है, लाल रंग का पट्टा पहना हुआ है। ठीक है, देखिए प्रश्न क्या है। अच्छा भी दूर है। लियो छोटा है लेकिन बहुत समझदार है। लियो मेरी आंखों का तारा है। कल राजू चाचा की दुकान के पास देखा गया था। आपको अगर लियो कहीं भी दिखाई दे तो नीचे दिए गए फोन नंबर पर खबर दें या फिर उसे मेरे घर के पते पर पहुंचा दें। पता दे रखा है, मकान नंबर 20, लाल बाग, देहरादून। टेलीफोन नंबर 9678880012। ठीक है, तो अब प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा विकल्प लियो का वर्णन नहीं करता? अब वो कह रहा है जो लियो के बारे में नहीं बताता, जो लियो के बारे में नहीं बताता। लियो छोटा और समझदार है, ये तो बात सही है। लियो के शरीर पर भूरे रंग के धब्बे हैं। हाँ जी। हैं? हाँ जी। चाचा की चाय की दुकान है, ठीक है। लाल रंग का पट्टा पहना हुआ, सारे ठीक हो गए। फिर गलत तो कौन सा है? फिर उसके रंग पे जो धब्बे हैं किसी और रंग के हैं, देखो। ठीक है, उसके जो हैं सफ़ेद धारियां हैं। क्या धारियां कहती हैं? सफ़ेद। ये आपने ध्यान से नहीं पढ़ा, तो फिर कौन सा तो ठीक गलत है इसमें? इसमें यह आपने कहा उसके शरीर पर भूरे रंग के धब्बे हैं, ये गलत है। ठीक है, तो ये उत्तर सही आ जाएगा, ये ठीक है। ठीक है, हाँ जी। अच्छा, अगला है तलाश का अर्थ क्या होता है? जब हम किसी की तलाश करते हैं तो उसका अर्थ क्या है, क्या मतलब है उसका? पालतू है ना, खबर है, है ना, खबर तो नहीं होती, देखभाल ना, तो कहती है खोज। ये उत्तर सही है। ठीक है, अगर आपने लियो को देखा तो सूचना के मुताबिक आप कहाँ खबर करेंगे? अस्पताल में करेंगे, सूचना फाड़ देंगे, ये तो बहुत गलत बात है। लियो के लिए स्कूल को फोन करेंगे ना, सूचना में दिए गए नंबर पर फोन करेंगे। हाँ, जो नंबर तुमने बता रखा है उस नंबर पर फोन करेंगे। ठीक है, दी गई सूचना से पता चलता है कि लियो अपने मालिक को बहुत क्या करता है, क्या है? डराता है, मारता है, काटता है, प्यारा है, प्यारा क्या है? है प्यारा है, तो क्या जाएगा यहाँ पर? प्यारा। उत्तर भी यही हो जाएगा। इस सूचना को किसने दिया होगा, किसने दिया होगा? लियो ने, लियो तो खोया गया है ना, लियो के मालिक ने। हाँ ये ठीक है, लियो के मालिक ने। राजा ऐसा कुछ देगा बेचारा, चाय की दुकान है, पुलिस बिन देगी, है ना, तो यही ठीक है। अगला है खबर का समानार्थी। खबर पता ही क्या होता है, अभी ऊपर पढ़ा सामने एक बार ना, खबर क्या होता है, क्या होता है? नहीं नहीं, खबर क्या होता है? आज़ादी तो नहीं होता, विदाई भी नहीं होता, समाचार होता है, बचपन भी नहीं होता। उत्तर ये है, खबर क्या होता है? समाचार। अगला बंद का विपरीत, बंद होता है बंद का विपरीतार्थक, मतलब उल्टा शब्द, क्या? उल्टा। ठीक है, तो बंद का क्या होएगा? खुला होएगा, जब दरवाजा बंद है तो दरवाजा खुला है।